1905 में आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। अपनी दानशीलता की वजह से उन्हें प्रिंस के खिताब से नवाजा गया था। युवा अवस्था में देवेंद्रनाथ ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना था। राजा राम मोहन राय के जाने के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज को नई ऊर्जा के साथ नेतृत्व किया था। राजा राम मोहन राय की तरह वह भी चाहते थे कि देशवासी पश्चिमी संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करके उन्हें भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म में समाहित करें। वह समाज सुधार में धीरे चलो की नीति पसंद करते थे। 1919 में आज ही के दिन मशहूर शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ था। कैफी आजमी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। काव्य प्रतिभा होने की वजह से छोटी उम्र से ही कैफी आजमी शायरी करने लगे थे। वह जिस माहौल में पढ़े बढ़े वहाँ शायरी का बोलबाला था। 11 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। वह कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार कौमी जंग में लिखने के साथ मजदूर और किसानों के साथ पार्टी का काम भी करते थे। 1951 में कैफी आजमी ने अपना पहला गीत रोते रोते बदल गई रात लिखा। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बनी फिल्म गरम हवा की कहानी, पटकथा, संवाद कैफी आजमी ने ही लिखे थे, जिसके लिए उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। इसके बाद कैफी आजमी ने अनेक फिल्मों में गीत लिखे, जिनमें कागज के फूल, हकीकत, हिंदुस्तान की कसम, आखिरी खत और हीर रांझा प्रमुख हैं। 1966 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना था। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी और देश की सेवा करते रहने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि वह शांति का वातावरण कायम करने की पूरी कोशिश करेंगी, जो कि उनके पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहा करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर मोरारजी देसाई के साथ उनका लंबा संघर्ष चला। 1967 और 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी को भारी बहुमत से कामयाबी मिली, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए उनके चुनाव को अवैध करार दिया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी। आम चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली और जनता दल के मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। और 1990 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने पर लगे प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए इंग्लैंड से 15 क्रिकेटरों का एक दल दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचा था। हवाई अड्डे पर सैकड़ों लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था और यहां तक कि उन पर कुत्ते भी छोड़ने पड़े थे। ब्रितानी क्रिकेटरों का नेतृत्व ब्रिटेन के पूर्व कप्तान माइक गेटिंग कर रहे थे। 25 दिनों तक लगातार प्रदर्शन और नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद देश में बदले राजनीतिक हालात के चलते आयोजकों ने इस दौरे को समय से पहले ही समाप्त करने का फैसला कर लिया। इस दौरे पर जाने के लिए गेटिंग पर 3 साल की पाबंदी लगा दी गई और फिर 1992 से लेकर 93 के बीच भारत और श्रीलंका दौरे के लिए उन्हें इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया।